हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं ले आई हूँ एक वीडियो जो कि पॉपी के ऊपर है। तो जब मैं ये पॉपी को लेके आई थी तो इसका सिर्फ एक महीना हो रहा था। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत जन ने क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग को क्या क्या खिलाते हैं और उसका देखभाल कैसे करते हैं और कितना खर्चा आता है, हर चीज़ के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, अभी इसको हम लोग केला खिला रहे हैं। अभी ये बड़ी हो गई है, कम से कम 1.5 साल की हो गई है। जब हम इसको बाय करके लाए थे तो ये सिर्फ 1 महीना की थी, ओनली 35 दिन की, क्योंकि उससे छोटा पप्पी को हम घर नहीं ला सकते, क्योंकि उसको उस समय अपनी माँ की ज़रूरत होती है। और 1 महीना के बाद ही अपने पप्पी को, जो पप्पी की मम्मी होती है वो अपने से 14-15 दिन के बाद ही दूर कर देती है। फिर जो डॉग पालते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोतल में दूध भर के उसको पिलाते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना तक वो लोग खुद पालते हैं और जो भी वैक्सीनेशन है पहला वाला वो लोग लगा लेते हैं। उसके बाद 30 या 35 हो जाने के बाद ही वो लोग उसको बाहर भेज देते हैं या बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो उससे छोटा पप्पी को लाने से आप उसको घर में पाल नहीं सकते, कम से कम 1 महीना होना ज़रूरी है। तो जब हम लोग उसको 1 महीना हुआ था उस समय लाए थे, तो मेरा पहली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। और अभी तो पूरा 1.5 साल की हो गई है और अभी काफ़ी हेल्दी भी है और अभी घर का खाना भी खाती है और बाहर से भी कुछ उसका जो डॉग फूड है उसको भी हम लोग मंगा के देते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब हम लोग 1 महीना का हुई थी तब उसको लाए थे, उस समय हम लोग 3 महीना तक उसको घर के अंदर ही रखते थे, घर से बाहर नहीं ले जाना है, क्योंकि डॉक्टर का यही कहना था कि 3 महीना तक उसको घर से बाहर नहीं निकालना है। अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो हम बाहर में कोई भी जर्म उसको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसे हम लोग घर के अंदर ही रखते थे और सुसु पोटी जो भी करना है वो घर के अंदर ही करती थी। 3 महीने के बाद ही हम उसे बाहर ले जाना शुरू किए। वो भी हर दिन नहीं लेते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन लेते थे। ऐसे धीरे धीरे करके उसको बाहर जाने की आदत की गई और अभी तो घर में वो कुछ भी नहीं करती है, जो भी करना होता है वो बाहर में जाके फील्ड में या कहीं भी साइड में जाके करती है। और सबसे बड़ी सवाल थी कि बहुत जन कहते थे कि पप्पी को क्या ऐसे पकड़ना चाहिए, लेकिन पप्पी को ऐसे कोई नहीं पकड़ता है, ये तो बच्चे खेलने के लिए ही उसको जैसे तैसे उठा लेते हैं, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बच्चों का मर्जी है। और देखिए, तो डॉग फूड अभी हम लोग देना शुरू किए हैं और क्या क्या दे रहे हैं देखिए। ये पेडिग्री का एक कंपनी है उसका देते हैं, फिर ये स्किन कोट के लिए देते हैं जो कि इसको खाने से बाल झड़ना कम होता है, तो इसको भी साल में 1-2 बार ज़रूर देते हैं। और डेली 1 टैबलेट देने से 2-3 महीना तक देना पड़ता है। और आप जो भी दवाई दीजिए, जो भी करिए, तो साल में 2 बार तो बाल झड़ता ही है, तो इसीलिए इसको देते हैं। इसको देने से बाल झड़ना बहुत कम हो जाता है और इसको अगर नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ता है, तो इसीलिए इसको मंगा के रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है बीच बीच में उसको देते रहते हैं। और उसका टॉनिक देते हैं, लीफ 52 देते हैं, और जो जो भी उसका वैक्सीनेशन है उसको भी टाइम से देते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों ने पूछा था वैक्सीन कब कब देते हैं, तो हम लोग जो पहले महीने में उसको लाए थे तो वो वहाँ से वो लोग दे के भेजे थे, फिर जो 3 महीना पूरा हुआ उसके बाद फिर हम लोग एक वैक्सीन लगाए, उसके बाद फिर 1 महीना बाद फिर से लगाए, फिर 2-3 महीने के बाद उसको जो रैबिस का है उसको लगाए, फिर 1 साल होने के बाद रैबिस का फिर दूसरा टीका है उसको लगा। तो जैसे बच्चों लोग का टीका वगैरह लगता रहता है और वैक्सीन उसी तरह से पप्पी का भी दिया जाता है। और ये देखिए, उसका फेवरेट फूड है आड़न। आड़न उसका फेवरेट फूड है, जब भी उसको खाना खाने का मन नहीं करता है तो इसको 1 चम्मच या 2 चम्मच उसको चावल में मिला के खिलाने से वो तुरंत ही खा लेती है। और उसको ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग का घर में तो चिकन कभी बनता नहीं है, तो चिकन वगैरह हम लोग उसको घर में नहीं देते हैं, केवल अंडा उसको देते हैं एक बॉयल करके, हफ्ता में 2-3 बार देते हैं। और ये देखिए, ये फूड में ऑलरेडी चिकन मिला हुआ है,
तो इसलिए ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको हम लोग चावल के साथ मिला के या कोई भी लिक्विड के साथ मिला के इसको देते हैं। और डॉग को 2-3 महीने तक आप दूध दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद तो पूरा ही मना है, क्योंकि दूध देने से पेट में वर्म होता है, इसीलिए दूध देना पूरा ही मना है। और पहली बात तो है, 1 महीना से हम लोग 3 महीना तक कैसे देखभाल किए। पहले शुरू में हम लोग उसको जो बेबी का हम लोग का आता है, इंसानों का जो सेरेलैक्स, उसको देते थे, क्योंकि यहाँ पे डॉग फूड नहीं मिलता था, ऑनलाइन मंगा के ही देना पड़ता है। तो बाद में यहाँ पे सब कुछ मिलने लगा, तो बाद में हम लोग फिर जो पप्पी का आता है सेरेलैक्स, उसको दिए। उसको गर्म पानी में 2 चम्मच पाउडर फॉर्म में उसको मिला के, उसको लिक्विड बना के फिर उसको दिन में 3 बार 4 बार ऐसे देते थे। और उस समय काफ़ी छोटी थी, तो 1 चम्मच देने से या 2 चम्मच देने से उसका पेट भर जाता था, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर उसको भूख लगता है। उस समय कोई भी सूखा जो ड्राई बिस्कुट कोई भी वो नहीं खा सकती थी, इसीलिए उसको लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता था। तो इसलिए हम लोग सेरेलैक्स शुरू किए थे। इसमें भी बहुत सारा सवाल आए थे कि लोगों ने तो कहा कि इंसानों का फूड भी कोई डॉग को देता है, लेकिन इंसानों का फूड ही डॉग पसंद करते हैं ज़्यादा, उनका खुद का फूड वो लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि हम लोग जो चीज़ खाते हैं, जैसे हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको भी अपना फूड पसंद नहीं आता, जो भी हम लोग बड़े खाते हैं वही चीज़ बच्चों पसंद करते हैं। इसी तरह डॉग भी जो इंसान खाते हैं वही चीज़ ही डॉग पसंद करता है, लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। फिर भी बीच बीच में हम लोग जैसे पनीर की सब्ज़ी खाते हैं, तो वो पनीर खाना बहुत पसंद करती है, तो उसके लिए अलग से पनीर बना के देते हैं, जिसमें बिल्कुल भी नमक मिर्च या हल्दी नहीं डालते हैं, और खाली हल्का ऑयल में फ्राई करके उसको देते हैं। तो ये देखिए, ये एक दूसरा ब्रीड का डॉग है, ये मेरे दीदी के पास है। तो ये है लासा अप्सो। तो ये भी बहुत कॉस्टली आता है, तो इसके जब लिए थे 5 साल पहले तो इसको लिए थे 12,000 में। और देखिए इसका हाइट कभी नहीं बढ़ता है, 5 साल से वो जितना थी उतना ही है, थोड़ा भी हाइट नहीं बढ़ा है, और घर में किसी को परेशान भी नहीं करता है। और जो भी देते हैं, जैसे कि उसका डॉग फूड ही देते हैं, पेडिग्री ड्रूल जो भी आता है उसका, उसी को ही देते हैं। लेकिन हमारा जो ये डॉग है, तो ये है स्पिच, इंडियन स्पिच, तो इसका हाइट काफ़ी बढ़ता है। अभी तो देखिए 1.5 साल में इतना बड़ा हो गया है, इसका हाइट और थोड़ा बढ़ेगा। तो देखिए शाम के समय मस्ती टाइम, और इस समय इसको ले जाते हैं, मेरा बेटा अपने साइकिल से इसको रस्सी को हाथ में पकड़ लेता है और साथ में इसको ऐसे घुमाता है। और उसका एक दोस्त भी आया है जिसका नाम है जोजो, तो उसका दोस्त उसको लेके आया है शाम के टाइम, कभी कभी घुमाने ले आता है, तो साथ में दोनों मिलके खूब खेलते हैं। और फिर वो अपना घर चला जाता है और हमारे पप्पी अपना घर आ जाती है, क्योंकि ये फीमेल है, मेरे पास जो है वो फीमेल डॉग है, और वो दूसरे वाला जो आप देख रहे हैं शर्ट में, तो वो है जॉजो जो मेल डॉग है। आप घर में कोई भी डॉग या पप्पी रखिए, लेकिन शाम को उसको जैसे भी वॉक कराना है, और दिन भर घर में रह रह के वो लोग पूरा बोर हो जाते हैं, इसीलिए मॉर्निंग में 1 घंटा उसको घुमाते हैं और इवनिंग में 1-2 घंटा उसको बाहर घुमाते हैं, ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे, और बाकी दिन भर तो वो घर में ही रहती है। और इसी तरह उसका देखभाल हम लोग करते हैं, और जो खाने पीने का पूरा फुल रूटीन है, मैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये मैं पहले से शूट करके रखी थी, इसलिए जितना हो पाया मैं उतना बनाई हूँ, और नेक्स्ट आपका जो भी कमेंट आएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पूरा बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगी। तो देखिए बच्चे तो इसके साथ मस्त खेलते रहते हैं, और मेरे दोनों हैं बेटा है, तो वो लोग जब भी टाइम मिलता है डेजी के साथ खेलते हैं, और बहुत वो खुश रहती है। जैसे भी बच्चे घर से बाहर जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, आने के बाद वो इंतज़ार करते रहती है कि कब घर में लोग आए, हम उनके साथ खेलेंगे। तो इसी तरह था आज का वीडियो, धन्यवाद।